हेलो गाइस, आई एम सीएमए जतन गुप्ता एंड वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो गाइस, ड्यू टू माय ऑफिस स्टफ मुझे बिल्कुल भी पीपीटी बनाने का टाइम नहीं मिल पाया, तो जो बाकी का इनपुट टैक्स क्रेडिट का पार्ट बचा हुआ है सेक्शन 18 ऑन जॉब वर्क वाला, वो मैं आपको स्टडी मैट से ही कवर करा दूंगा। बहुत छोटा सा, ये जल्दी हो जाएगा। ओके, सो सेक्शन 18 मेरा क्या बोलता है, अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, इनपुट टैक्स क्रेडिट की अवेलेबिलिटी इसको दो पार्ट में हम बांट देते हैं। पहला पार्ट जिस केस में मुझे आईटीसी मिलेगा और दूसरा जब मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके, सो सबसेक्शन 1 में मेरा है जब गुड्स आर एलिजिबल फॉर आईटीसी, एंड अदर सबसेक्शंस में मेरे हैं व्हेन गुड्स आर नॉट एलिजिबल फॉर आईटीसी। सबसेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं, सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 पार्ट ए। ओके, सो क्या बोलता है, व्हेन पर्सन रजिस्टर्ड अंडर 30 डेज फ्रॉम द डेट नीड अराइजेस, अगर बंदा 30 दिन के अंदर ही रजिस्ट्रेशन करा लेता है तो जिस दिन वो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लायबल हुआ है उस दिन उसके पास जो भी स्टॉक रॉ मटेरियल एफजी पड़ा हुआ है उसका उसे इनपुट मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि वो जो मटेरियल पड़ा हुआ है उसके पास वो उसे टैक्सेबल सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल करेगा। अब उसे टैक्सेबल सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल करेगा तो उसके ऊपर उसे आईटीसी मिलना चाहिए, यस उसे मिलना चाहिए। तो इसलिए जो गवर्नमेंट है वो अलाउड कर देती है कि अगर कोई पर्सन रजिस्ट्रेशन करा लेता है विद इन 30 डेज तो उस दिन जिस दिन वो लायबल हुआ है उसके पास जो भी माल पड़ा हुआ है उसका आईटीसी उसे मिल जाएगा। ओके, दूसरा क्या है, सबसेक्शन बी, पर्सन वॉलंटरली रजिस्टर्ड, अगर कोई बंदा अपनी इच्छा से रजिस्टर्ड होता है तो उस केस में भी उसे आईटीसी मिल जाएगा। लॉजिक सेम है, ठीक है। उसे आईटीसी मिलेगा कब, जिस दिन उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो ग्रांट कर देगी गवर्नमेंट, उस दिन उसके पास जो भी स्टॉक WIP एंड FG पड़ा हुआ है उसका उसे आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है मेरा सबसेक्शन सी एंड बी। सी में मेरा होता है कॉम्पोजिशन टैक्स, कोई बंदा कॉम्पोजिशन से नॉर्मल स्कीम के अंदर आ रहा है या फिर उसकी जो सप्लाई है वो एग्जम्प्ट से टैक्सेबल हो रही है, उस केस में उस बंदे के पास जिस दिन से वो कॉम्पोजिशन से नॉर्मल में आ रहा है या फिर एग्जम्प्ट से टैक्सेबल में आ रहा है उसके पास जो भी रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स पड़ा हुआ है और कैपिटल गुड्स जो भी उसके पास पड़ा हुआ है उसका उसे आईटीसी मिल जाएगा। ओके गाइस, जिस दिन वो नॉर्म कॉम्पोजिशन से नॉर्मल में या फिर एग्जम्प्ट से टैक्सेबल में आ रहा है। सीज टू पे कॉम्पोजिशन टैक्स या फिर एग्जम्प्ट सप्लाई बिकम टैक्सेबल, उस दिन का स्टॉक WIP FG एंड कैपिटल गुड्स इसका आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है। जो मेरे पहले दो सबसेक्शन थे, जब बंदा रजिस्ट्रेशन करा रहा है एकदम फ्रेश रजिस्ट्रेशन है चाहे वो लेबल होकर करा है या वो खुद से करा है, उस केस में मुझे कैपिटल गुड्स का आईटीसी नहीं मिलता। लेकिन जब बंदा कॉम्पोजिशन से नॉर्मल में या फिर एग्जाम से टैक्सेबल में आता है उस केस में जो भी उसके पास कैपिटल गुड्स पड़ा हुआ है उसे आईटीसी मिल जाता है। कैपिटल गुड्स के लिए अलग से एक पॉइंट बोलता है कि उसे कैपिटल गुड्स का आईटीसी कैसे मिलेगा। तो जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था कि हम कॉमन इनपुट्स को डिवाइड करते हैं कि एग्जम्प्ट के लिए कितना गया और टैक्सेबल के लिए कितना गया। अब ये जो कैपिटल गुड्स का इनपुट है, ये कैपिटल गुड्स हमने दो हिस्सों में इस्तेमाल किया, एक में तो हम कॉम्पोजिशन या फिर एग्जम्प्ट में थे और दूसरे में हम टैक्सेबल में आ गए। तो अब इसमें कैसे बांटेंगे, कितना पार्ट उसके लिए और कितना पार्ट इसके लिए है? तो गवर्नमेंट ने एक रूल निकाल रखा है कि वो ये अज्यूम करके चलेंगे कि भाई जिस दिन से तुमने ये कैपिटल गुड्स खरीदा है उस दिन से 5% पर क्वार्टर के हिसाब से और पार्ट देयर ऑफ, हम ये मानेंगे कि ये पार्ट कॉम्पोजिशन या एग्जम्प्ट वाले में यूटिलाइज हो चुका है और जो बाकी है वो पार्ट हमारा टैक्सेबल सप्लाईज के लिए जाएगा, ठीक है। पार्ट देयर ऑफ का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने जो कैपिटल गुड्स है वो खरीदा था 28 मार्च को, ठीक है, एंड 5 अप्रैल को आप टैक्सेबल वाले स्कीम में आ गए, कॉम्पोजिशन से टैक्सेबल में आ गए, नॉर्मल स्कीम के अंदर आ गए, तो मार्च तक का मेरा ये पूरा क्वार्टर हो जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च एंड अप्रैल मई जून, ये मेरा दूसरा क्वार्टर हो जाएगा। ओके, इसे बोलते हैं पार्ट देयर ऑफ।
तो 5 और 5 10% मैं मान लूंगा कि मेरा ITC कॉम्पोजिशन वाले के लिए गया है और बाकी का जो 90% है ये मेरा टैक्सेबल वाले के लिए जाएगा। ओके सो ITC कैपिटल गुड्स इतना है, 5% पर क्वार्टर और पार्ट ईयर ऑफ के हिसाब से हम इतना हटा देंगे क्योंकि ये वाला पार्ट हमने यूटिलाइज कर दिया फॉर सप्लाइंग कॉम्पोजिशन सप्लाई और एग्जम्प्ट सप्लाई, जो बाकी रिमेनिंग है उतना मुझे ITC मिल जाएगा। ओके नाउ सबसेक्शन 3, सेक्शन 18 सबसेक्शन 3, ये मेरा क्या बोलता है, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, जब कोई रजिस्टर्ड पर्सन अपना बिजनेस सेल कर दे, मर्जर हो जाए, डीमर्जर हो जाए, अमलगमेशन हो जाए, लीज या ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, तो इसे हम बोलते हैं चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस केस में मेरा जो भी ITC क्रेडिट लेजर में पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़ा हुआ है अनयूटिलाइज, वो वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा, हम उसे आफ्टर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, देर इज नो चेंज, बिकॉज गवर्नमेंट को कोई लॉस नहीं हो रहा ना इस केस में। आप इस नाम के हिसाब से थे तब आपका ये ITC बन रहा था, अब आप इस नाम से इस नाम में आ गए तो भी आपका ये ITC बन रहा है, आप इसे ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें। ओके तो ये तो वो केस थे जिस केस में मुझे ITC मिलेगा। अब बाकी केस है जब मुझे ITC नहीं मिलेगा। ओके सो सेक्शन 18 सब सेक्शन 2 मेरा बोलता है कि भाई जिस दिन आपका बिल है, लेट से आपका बिल था 5 अप्रैल का या 1 अप्रैल का ले लेते हैं, कि आपने कोई माल खरीदा और वो 1 अप्रैल को खरीदा था, उसका इनवॉइस डेट है 1 अप्रैल, तो उसका आप ITC कब तक ले सकते हैं। हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि टाइम लिमिट क्या है, सेप्टेम्बर की रिटर्न की ड्यू डेट मतलब 20 अक्टूबर, और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, मेरा टाइम लिमिट है कि इस टाइम लिमिट तक मैं ITC क्लेम कर सकता हूँ। लेकिन सेक्शन 18 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि मैं इनवॉइस डेट से विद इन 1 ईयर ही उस बिल को क्लेम ITC क्लेम कर सकता हूँ, अदरवाइज नहीं। पूरी बुक में ये बात सिर्फ यही लिखी हुई है और ये हमेशा हम इग्नोर कर देते हैं। अगर बाई चांस एग्जाम में क्वेश्चन इस हिसाब से पूछा कि उसने इनवॉइस डेट ये डाल दी अप्रैल की या मई की, और हमने अपने माइंड में रखा कि यार सितंबर वाली डेट या दिसंबर वाली डेट हमारी जो एनुअल रिटर्न वाली डेट है वो है मेरी लास्ट डेट, तो हम क्वेश्चन गलत कर देंगे, बिकॉज एज पर सेक्शन 18 सब सेक्शन 2 में रखा है कि डेट ऑफ इनवॉइस से विद इन 1 ईयर ही मैं उस ITC को यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी आप बात नहीं बोलेंगे क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा रहेगा कि हाँ पूरी बुक में सिर्फ इसी जगह पर यह बात लिखी हुई है। ओके इसी वजह से ये बात मुझे भी याद रहती है हमेशा कि हाँ डेट ऑफ इनवॉइस से सिर्फ विद इन 1 ईयर में ITC ले सकता हूँ। ओके अगला सब सेक्शन आता है मेरे सेक्शन 4। 1 में हमने पढ़ा था कि बंदा कॉम्पोजिशन से नॉर्मल में या फिर एग्जाम से टैक्सेबल में आ रहा है तो क्या होगा, इसमें है कि बंदा नॉर्मल से कॉम्पोजिशन स्कीम में जा रहा है एंड टैक्सेबल से एग्जाम में जा रहा है। उस केस में क्या सिंपल सा लॉजिक है कि मेरे पास जितना भी इलेक्ट्रॉनिक लेजर में क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक लेजर में ITC जो भी पड़ा हुआ है, वो कौन सा ITC होगा, जितना भी मैंने माल खरीदा, लेट से मैंने माल खरीदा 100 रुपये का, ठीक है, और वो मैंने अपने बिल में डाल दिया, मेरा क्रेडिट लेजर में 100 रुपये का ITC दिख रहा है। ओके अब मैं टैक्सेबल से कॉम्पोजिशन में जा रहा हूँ, उस दिन पे जो मेरे पास माल पड़ा हुआ है उस माल का जो ITC बनता है वो बनता है 50 रुपये। ओके और मेरे लेजर में कितना है 100 रुपये, इट मीन्स ITC 100 रुपये का था लेकिन मैंने कितना यूटिलाइज करा, 0, और मेरा बनता कितना है 50 रुपये, क्योंकि ये 50 रुपये मुझे पे करना है गवर्नमेंट को, क्योंकि ये क्यों पे करना है, क्योंकि भाई ये वाला ना आपका कॉम्पोजिट या फिर एग्जम्प्ट के लिए जाने वाला है। फिर से वही बात आ गई ना कि जितना हमारा टैक्सेबल के लिए जा रहा है अलग अलग रखना है उसे, अगर एग्जम्प्ट या कॉम्पोजिशन के लिए है तो हम उस पर ITC नहीं देंगे, तो ये जो बाकी रिमेनिंग स्टॉक है ये मेरा कॉम्पोजिट या फिर एग्जम्प्ट सप्लाई के लिए यूज होगा, तो इसके ऊपर मुझे ITC नहीं देना है। तो अभी मेरे लेजर में 100 रुपये का ITC पड़ा हुआ है और 50 रुपये का जो है वो मेरा कॉम्पोजिट के लिए जाएगा, फिर भी मेरे पास एक्सेस ITC पड़ा है 50 रुपये का, तो जो मेरा एक्सेस ITC है वो मेरा लैप्स हो जाएगा। ठीक है ये तो एक सिनेरियो होगा जब मेरे पास एक्सेस ITC है। दूसरा सिनेरियो, जो मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है वो उसके ऊपर जो ITC बनता है वो 120 रुपये का बनता है, ठीक है, और मेरे क्रेडिट लेजर में कितना पड़ा है 100 रुपये का, तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हम उसे 120 रुपये टैक्स दें,
लेकिन क्रेडिट लेजर में तो 100 रुपये, मतलब मैंने 100 रुपये अनयूटिलाइज लेकिन 20 रुपये कर चुका हूँ, तो ये जो 20 रुपये मैंने यूटिलाइज कर लिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, वो गवर्नमेंट बोलेगी भाई ये 20 रुपये मुझे पे करो, ठीक है? तो भाई ये 20 रुपये हम उसे कैश या बैंक जैसे होगा, जैसे टैक्स नॉर्मल टैक्स पे करते हैं वैसे चालान बनाकर ये 20 रुपये पे कर देंगे, ठीक है? इसी के साथ मेरा सेक्शन सब सेक्शन 4 कंप्लीट होता है। सिंपल सा है, इसमें एक और पार्ट है मिस कर गया मैं, कैपिटल गुड्स का। ये तो हो गया रॉ मटेरियल WIP और FG का, लेकिन व्हाट अबाउट कैपिटल गुड्स? अगर उस टाइम पे मेरे पास कैपिटल गुड्स पड़ा है, सब सेक्शन 1 में देखा था कि 5% पर क्वार्टर के हिसाब से हम लेके चलते हैं कि इस्तेमाल कर लिया होगा मैंने किसमें, कंपोजिट में या एग्जम्प्ट वाले में। लेकिन सब सेक्शन 4 क्या बोलता है कि भाई हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि जो उस कैपिटल गुड्स की लाइफ है वो 5 साल है, 5 ईयर्स है, ठीक है? दूसरी चीज, हम इसको प्रो राटा बेसिस पे करेंगे, मतलब मंथली बेसिस पे करेंगे, उसमें हम क्वार्टरली बेसिस कर पे कर रहे थे, यहाँ पर हम मंथली ही रखेंगे, ठीक है? ये वाला पॉइंट अक्सर बच्चे मिस कर देते हैं, इसे भूलना नहीं कि यहाँ पर हमारा मंथली बेसिस पे कब, जब मैं टैक्सेबल से कंपोजिट में जा रहा हूँ एंड टैक्सेबल से एग्जम्प्ट में जा रहा हूँ, ठीक है? तो उस केस में जो मैं प्रोराटा यूज करूंगा, मतलब कैपिटल गुड्स को बाइफरकेट करूंगा फॉर कंपोजिट सप्लाई और फॉर टैक्सेबल सप्लाई, वो मैं करूंगा मंथली बेसिस पे, और मंथ में कैसे लूंगा, पार्ट देयर ऑफ के हिसाब से। इसका एक एग्जाम्पल मैं आगे करा दूंगा ताकि आपको ये पार्ट क्लियर हो जाए, ठीक है? अब आता है मेरे सेक्शन 16। जब मैं कैपिटल गुड्स को बेच देता हूँ, कुछ साल मैंने तो कैपिटल गुड्स वो इस्तेमाल कर लिया और फिर मैंने उसे बेच दिया, ये सेक्शन क्यों है मैं इसका लॉजिक बताता हूँ। तो सबसे पहले, अब अगर ये सेक्शन ना होता तो बंदे क्या करते कि वो गुड्स खरीदते, कैपिटल गुड्स खरीद लिया, ठीक है, 1 लाख रुपए का, उस पर 12% GST, 12,000 रुपये का GST पे कर दिया, 1 महीना इस्तेमाल किया और उसे बेच दिया, ठीक है? कितने में बेच दिया भाई? 90,000 रुपये में बेच दिया, ठीक है? अब 90,000 को उसने बेचा और खरीदा कितने में था? 1 लाख का, उसे 10,000 का लॉस हो गया, लेकिन उसने जो 12,000 का GST पे किया था उसका ITC ले लिया और उसने मशीन तो यूटिलाइज ही नहीं की, तो ये जो बार और वो ऐसा करता रहेगा हमेशा, मशीन खरीदेगा ITC यूटिलाइज कर लेगा बेच देगा, ये गलत है ना? तो इसको कंट्रोल में करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भाई अगर आप जब भी आप मशीन बेचोगे ना, तो हम जितना पार्ट अपने यूटिलाइज कर लिया ना उसको छोड़कर बाकी पार्ट हम आपका टैक्सेबल कर देंगे, ठीक है? कैसे? ये मेरा टोटल ITC है, ITC टेकन ऑन कैपिटल गुड्स इतना मैंने ले लिया, हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 12,000 का मैंने ले लिया, लेस 5% पर क्वार्टर ऑफ ईयर और पार्ट देयर ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, जिस दिन से बिल है उस दिन से 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ के हिसाब से मैं पार्ट हटा लूंगा, मैं एज्यूम करूंगा कि ये पार्ट मैं यूटिलाइज कर चुका हूँ और इसका ITC मुझे मिलना चाहिए, जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है वो उसका ITC मुझे नहीं मिलना चाहिए तो वो मेरा लैप्स हो जाएगा या फिर मैं उसे पे करूंगा, ठीक है? तो पर क्वार्टर आपको पता है क्वार्टर क्या है मेरे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो अगर मैंने 1 महीने इस्तेमाल किया तो मेरा 5% मेरा यूटिलाइज हो गया, तो 12,000 का 5% हटा दूंगा, बैलेंस ITC मुझे पे करना पड़ेगा। अब ये जो बैलेंस ITC है इसे मैं कंपेयर करता हूँ किसके साथ, जो मैंने मशीनरी बेची है उस बेचने पर भी मुझे GST लगेगा, उसके ऊपर जो GST लग रहा है अगर वो इस बैलेंस ITC से ज़्यादा है तो मैं गवर्नमेंट को वो पे करूंगा, अदरवाइज जो ये बैलेंस ITC है मैं ये पे करूंगा। सो बैलेंस ITC एंड टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन एंड वैल्यू एज पर सेक्शन 15 विच एवर इज हायर, इतना अमाउंट मैं पे करूँ गवर्नमेंट को। ओके गाइस, सो इसी के साथ मेरे सेक्शन 18 कंप्लीट होता है। एक पार्ट जो मैंने बोला था मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा कि जब मैं टैक्सेबल से कंपोजिट और टैक्सेबल से एग्जम्प्ट में जाता हूँ तो मैं कैपिटल गुड्स के ऊपर उसके कैलकुलेशन कैसे करूँगा प्रोराटा बेसिस पे, ठीक है? तो ये एग्जाम्पल लेके चलते हैं। कैपिटल गुड्स हैव बिन यूज्ड
फॉर 4 ईयर 6 मंथ एंड 15 डे। कैपिटल गेन में कितना इस्तेमाल किया, 4 साल 6 महीने और 15 दिन। मैंने क्या बोला था कि महीने को कैसे लेना, पार्ट ईयर ऑफ, तो कितना हो गया 4 साल और 7 महीने। ठीक है, मेरी रिमेनिंग लाइफ कितनी है बची है, 7 में से 12 में से 7 गया 5, तो 5 महीने अभी भी मेरा यूटिलाइज नहीं हुआ। तो भाई इसका ITC मुझे रिवर्स करना पड़ेगा या तो मुझे पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो एज्यूम करके चलता कि मेरी लाइफ है 5 साल, तो 5 डिवाइडेड बाय 16, 5 साल में 60 महीने था, तो 5 डिवाइडेड बाय 16 इंटू में जितना भी मैंने ITC लिया था, तो उतना प्रोपोर्शनेटली ITC मुझे रिवाइज करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा या फिर मुझे पे करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जगह पे जो भी मेरा है, जब मैं कैपिटल गुड्स को बेचता हूँ या फिर मैं टैक्सेबल से कॉम्पोजिट, सॉरी कॉम्पोजिट से टैक्सेबल या फिर एग्जम्प्ट से टैक्सेबल में आता हूँ, सेक्शन सब सेक्शन 1 वाला पार्ट, उसमें भी पर क्वार्टर है, सिर्फ यहाँ पर मेरा पर मंथ के हिसाब से चलना है और पार्ट ईयर के हिसाब से चलना है, फॉर टेकिंग एज्यूमिंग लाइफ ऑफ कैपिटल गुड्स एज 5 ईयर्स। ओके, सो इसी के साथ ये वाला पार्ट का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है मेरा जॉब वर्क वाला, जॉब वर्क पर छोटा ही सा ही पार्ट है, इस फ्लो चार्ट के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। सो जॉब वर्क, जॉब वर्क के अंदर दो जो मेन डेफिनेशन है जो आपको पता होना चाहिए वो है, पहला तो प्रिंसिपल और दूसरा मेरा जॉब वर्क। ठीक है, दोनों की दोनों डेफिनेशन याद ही रखिए। जॉब वर्क मेरा है 2 सबसेक्शन 68 ऑफ CGST एक्ट, क्या बोलता है, एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस अंडरटेकन बाय ए पर्सन ऑन गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन, द वंस हु डज द सैड जॉब वुड बी टर्म्स एज जॉब वर्कर। क्या बोलता है कि कोई बंदा किसी और बंदे के बिहाफ पर अगर कोई काम करता है तो मेरा जॉब वर्क कहलाता है, और जो ये बंदा काम करता है उसे मैं जॉब वर्कर बोलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मैंने मैगी के पैकेट्स बनाए, ठीक है, एंड ये मैगी के पैकेट्स मैं किसी थर्ड पार्टी को भेज रहा हूँ, वो क्या कर रहा है, वो उन्हें 12 12 के बड़ी सी पन्नी में डाल के पैक कर दे रहा है ताकि हम इसे अमेजोन पर भेज सकें। तो ये जो वो काम कर रहा है, पैक जो मैगी के पैकेट है उसे पन्नी में डाल के पैक करके रख रहा है, इसे मैं बोलूँगा जॉब वर्क, ये जॉब वर्क है, और वो जो थर्ड पार्टी का बंदा है वो मेरा जॉब वर्कर। ठीक है, अब इस केसेस में मैं क्या होगा, मैं हो गया प्रिंसिपल। तो सिंपली आप इस एग्जांपल के थ्रू समझ जाएंगे कि जो बंदा भेज रहा है माल, जिस बंदे का माल है, जिस बंदे के लिए काम किया जा रहा है वो मेरा प्रिंसिपल हो गया, जो बंदा काम कर रहा है, जो बंदा थर्ड पैकिंग कर रहा है वो मेरा जॉब वर्कर हो गया, और ये पैकिंग करना काम किसी और के बिहाफ पे मेरा जॉब वर्क हो गया। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब देखते हैं इसकी GST में ट्रीटमेंट कैसे होती है। तो इसके दो पार्ट हैं, एक है मेरा गुड्स के लिए और दूसरा है मेरा कैपिटल गुड्स के लिए। ठीक है, एक इनपुट सेंट फॉर जॉब वर्क और एक कैपिटल गुड्स सेंट फॉर जॉब वर्क। ठीक है, सिंपल सा क्या बोलता है भाई कि प्रिंसिपल ने जो आपको माल भेजा है तो वो जब जॉब वर्कर को रिसीव्ड होगा, जिस दिन जॉब वर्कर को रिसीव होगा, जिस दिन आपने भेजा वो नहीं, जिस उस बंदे को रिसीव होगा, उस दिन से अगर उसने माल रिटर्न कर दिया है 1 साल के अंदर अंदर, तो आपका कोई इशू नहीं है। आपने जब भेजा था तब GST लगा, उधर से माल वापस आया, GST लगा, आपको ITC मिल गया, टैक्स इम्पैक्ट खत्म हो गया। लेकिन अगर आपने 1 साल के अंदर नहीं माना, नहीं भेजा माल वापस, तो क्या होगा, तो उस केस में आपको ITC रिवर्स करना पड़ेगा, आपने जो ITC लिया था वो रिवर्स करना पड़ेगा और उसके ऊपर GST पे करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हम ये मान लेंगे कि वो जो गुड्स है वो अपने जॉब वर्कर को ही सप्लाई कर दिए, इट विल बी अज्यूम्ड एज डीम्ड सप्लाई टू द जॉब वर्कर व्हेन वी नॉट सेंड इनपुट गुड्स टू द प्रिंसिपल विद इन 1 ईयर। ओके, सेम चीज मेरा कैपिटल गुड्स के केस में 3 साल है, कि अगर मैंने 3 साल के अंदर जो प्रिंसिपल से कैपिटल गुड्स आया था वो मैंने अगर उसे 3 साल के अंदर वापस कर दिया, ठीक है, कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, कोई ITC रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर मैंने नहीं कर पाया तो मुझे जो ITC मैंने लिया था वो मुझे पे करना पड़ेगा या तो मुझे उसे रिवर्स करना पड़ेगा। ओके गाइस, ये मेरा 1 साल और 3 साल कहाँ से काउंट होता है, जिस दिन
जॉब वर्कर को वो गुड्स मिला है, ठीक है। जॉब वर्कर में सिर्फ इतना ही है जो मेन है, बाकी पार्ट आप बुक से पढ़ सकते हैं, आपको क्लियरली सिंपली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये जॉब वर्कर और सेक्शन 18 के कुछ क्वेश्चन है जो बुक में दिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप कर लिए तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या डाउट है। अगर आपको कुछ डाउट आता है इन एग्जाम्पल्स में, सो यू कैन ज्वाइन माई व्हाट्सअप ग्रुप, वहाँ पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, लिंक व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपने ITC का फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट नहीं दिया है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।